जोड़े काम करे हे, जिन अस्पृश्यता हटाए बर लगातार संघर्ष करे हे, आज जिन छत्तीसगढ़ में जिन स्थिति दिखते वो निश्चित रूप से वो महापुरुष मन के, वो व्यक्ति मन के, मिनी माता जी से होकर साथ में जतका जन काम करे देकर मन के योगदान के आज समाज में सर ऊंचा उठा के हर व्यक्ति और खासकर बेटी माई मन आज कतेक सुंदर पढ़ लिख के न केवल अपन परिवार के उन्नति विकास करत है बल्कि समाज की सेवा में भी लगातार काम करत है। तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि समाज के आर्थिक स्थिति में सुधार हो, दूसरा जरूरी है कि समानता के भाव होना चाहिए, तीसरा जरूरी है कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए सबके, चौथा जरूरी काम है शिक्षा होना चाहिए। तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है और हमारी जन संस्कृति है, बाबा जी की जन बताए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी खूब चले है, पंथी नृत्य आज छत्तीसगढ़ के पहचान बने, देवदास बंजारे यदि विदेश में नहीं जाते तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान नहीं होती, जैसे पडवानी तीजन बाई काम करी तो जो सांस्कृतिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हुई। तो निश्चित रूप से गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से जैसे देवदास बंजारे जैसे महान कलाकार समाज में पैदा हुई और न केवल समाज सम्मानित कराए काम करी बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ ला गौरवान्वित करे के अवसर प्रदान करे। तो ऐसे समाज में अनेक विभूति हो है और समाज में जिन देखथन के हमार गुरु घासीदास जी की वाणी है तिन जन जन में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है और वाचा श्रुति परंपरा के हिसाब से समाज चलत रही से, लेकिन साहित्य की थोड़ा कमजोरी महसूस करत रही से, ये कमी निश्चित रूप से रही से। ते में जे आर सोनी जैसी जिन साहित्यकार मन है जिन अतेक मोटा ग्रंथ लिखे और समाज के जिन दर्शन है गुरु घासीदास जी के जिन दर्शन है ओला लिपिबद्ध करे के काम करत है। तो कर भर में जे आर सोनी जी और बहुत जिन साहित्यकार मन है एक साथ साथ सबो जन जिन रचनाकार है वो मतलब बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। समाज के उन्नति और विकास यही जब तक के समाज में शांति की स्थापना नहीं हुई, समाज में जब तक के समानता के भाव नहीं हुई और समाज में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना नहीं रही तब तक के कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सका है। और एक में निश्चित रूप से बाबा गुरु घासीदास जी, मिनी माता जी के योगदान इसलिए कभी भुलाया नहीं जा सके। और मैं ये अवसर में कहना चाहता हूँ हमारे खांडे साहब जब जाथन ना तो उकर 8-10 पेज के उधर थे और दे देगा कि था नहीं तो पढ़े डल थे, लेकिन आज बहुत कृपा पूर्वक हम समय चूंकि वो कार्यक्रम में जाना है तो हमारे मन के तो इच्छा रही से कि मिनी माता जी के पुण्यतिथि के अवसर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आवा और वो सहमति भी दे रही से, लेकिन लोकसभा चलत रही से कल तो मन विश्वास प्रस्ताव में चर्चा भी देखे और वो कारण से आज नहीं आ पाई। लेकिन 13 तारीख के जांजगीर जिला जहाँ से मिनी माता जी सांसद रही से वहाँ खड़गे जी आते हैं और मैं बड़ी संख्या में आप सब आहू ऐसे में न्योता देता हूँ। बहुत अकन बात तो वहीं करवो और ओकरे माध्यम से कुछ घोषणा करवाबो साहब आत तो से करवाबो तो आज तो उतने ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जिन प्रशासनिक जिन जिन त्रुटि है तेकर बारे में खांडे साहब इंगित करे जिन जिला रोस्टर के बारे में तो निश्चित रूप से परीक्षण करा के ओमे जिन विसंगति है तेल दूर करे काम करवो। आरक्षण के बारे में भाई सीडोरिया बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके है, हमारे तो प्रयास हम तो उस समय भी 18 दिसंबर के जब साथी मन से मुलाकात हो रही से तब वो मैं कहें कि हेड काउंट करा दे संगा और हेड काउंट कराए से केस के नहीं गड़बड़ हुई हमारे समाज वाला मन काउंट नहीं लिखवाई तब कैसी हुई, तो वो अभी पिछड़े वर्ग के कराएं तो निश्चित रूप से हमारे किसान 45-50% है और वो घट के 43-43% आए तो बात तो सही के, लेकिन जनगणना होना चाहिए 2021 की जनगणना अभी तक के नहीं हुई। एक बार भारत सरकार ला हम चिट्ठी भी लिखें और ओकर साथ साथ जिन आर्थिक सर्वेक्षण है जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण होते वो काम भी नहीं हो पाए तो ओकर बार लगातार प्रधानमंत्री ला भारत सरकार ला हम चिट्ठी लिखें। तो अभी सामाजिक सर्वे आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण अभी कराएं जिनमें आवास वगैरह के जिन स्थिति है तेकर बारे में फैसला लेबो। विकास के बारे में अभी बात कहीस खांडे साहब बिल्कुल सही कहीस कि थोड़ा से जैसे दूसर धार्मिक स्थल मन है विकसित हो है तो इसने यू हो है, लेकिन वो बताहु दिस डरावत का भरते हैं
संकोच काबर के तो डर तो लागबे करी भाई है? अब है? डरो मत कहे लेकिन वहां तक ठीक है नूनी, लेकिन यू बात है कि कोई भी काम है तो सहमति से कराना चाहिए। यदि कोई काम लाते हैं सही है लेकिन सबके सहमति नहीं ले और ते वो काम लग कर दे तो कोई विरोध हो जाते हैं, तो सहमति बनाए के हमें कोशिश करना चाहिए। और विकास करे बर खासकर गुरु घासीदास जी के जिन जन्म स्थली है तपोभूमि है उन विकसित करे में हमारे सरकार कटिबद्ध है, लेकिन अब वही सहमति की बात आवा थे तेने थोड़के